गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ी थी पोएम ए स्माइल। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग पोएम। इट टेल्स अस स्माइल इज ए फनी थिंग, यानी जो हमारी स्माइल है वो एक फनी थिंग है। वो स्माइल फनी थिंग कैसी है वो जानेंगे हम आज के क्वेश्चन आंसर में। तो सबसे पहले हम करेंगे पोएम के वर्ड्स मीनिंग। वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। जैसा आपको दिख रहा है इसमें एक तरफ मैंने वर्ड्स लिखे हैं और दूसरी तरफ उसका हिंदी में मीनिंग है। वर्ड है हमारा रिंकल्स। रिंकल्स क्या होता है? रिंकल्स होता है झुर्रियां। झुर्रियां जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे चेहरे पर कुछ लाइनिंग आ जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं रिंकल्स। नेक्स्ट है सीक्रेट। सीक्रेट क्या होता है? रहस्य, यानी जो बात हमारे अलावा किसी अदर पर्सन को पता नहीं होती उसको हम बोलते हैं रहस्य। नेक्स्ट है हाइडिंग प्लेस। हाइडिंग प्लेस क्या होता है? छुपने की जगह। तो आज वर्ड मीनिंग इतने ही थे, यहाँ तक वर्ड मीनिंग हुए। इसके बाद हम करेंगे रीडिंग इज फन पार्ट। रीडिंग इज फन पार्ट में है ओनली टू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही हम जानेंगे कि ये स्माइल है जो फनी थिंग कैसे है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ए स्माइल ए फनी थिंग। स्माइल फनी थिंग क्यों है? तो आंसर है स्माइल इज ए फनी थिंग एज इट कैन मेक अदर पीपल हैप्पी व्हेन दे आर सैड। तो अब हम इसका जानेंगे हिंदी में। स्माइल है जो मुस्कान है इज ए फनी थिंग, एक बहुत ही मजाकिया चीज है। मुस्कान यानी हमारी स्माइल एक मजाकिया चीज है। एज इट कैन मेक अदर पीपल हैप्पी, यह किसी दूसरे व्यक्ति को हैप्पी यानी खुश बना देती है। व्हेन दे आर सैड, जब वे दुखी होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्माइल एट समवन। व्हाट हैपन्स यानी क्या घटित होता है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति पर स्माइल करते हैं, यानी दूसरे व्यक्ति की तरफ मुस्कुराते हैं। व्हेन वी स्माइल एट समवन दे गेट हैप्पी एंड फॉरगेट देयर वरीज। व्हेन जब हम दूसरों पर स्माइल करते हैं वे गेट हैप्पी यानी वो भी प्रसन्न हो जाते हैं एंड फॉरगेट देयर वरीज और अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्माइल है जो मुस्कान एक फनी थिंग है, यानी बहुत ही मजाकिया चीज है। स्टूडेंट्स, तो इसके जरिए क्वेश्चन आंसर्स के जरिए हमने जाना कि स्माइल एक फनी थिंग कैसे है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा।